हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रियलिस्टिक हेयर स्ट्रो करना सीखेंगे, वो भी सिर्फ पांच इजी मेथड्स में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें पांच इजी मेथड्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको रियलिस्टिक हेयर स्ट्रो करने में कोई परेशानी ना हो। तो मेरा नाम है ताहा और आपका स्वागत है आर्टिस्टिक फीवर के एक न्यू फ्रेश वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक आउटलाइन ड्रॉ करनी है। वैसे मैंने आउटलाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है, आपको भी सिर्फ एक रफली आउटलाइन ड्रॉ करनी है। वैसे मैंने इसकी स्केच की फुल टाइमलेस वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर है, तो आप लोग इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लाइट पेंसिल से जैसे HB 2B 3B उससे मैं हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाऊंगा। फर्स्ट लेयर में आप लाइट पेंसिल का ही यूज़ करें, बस हेयर्स की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करके स्ट्रोक्स लगाते रहिए। हमें फर्स्ट लेयर सिर्फ इसी पेंसिल से ड्रॉ करनी है। हेयर्स में हमें हर एक हेयर को सही से ऑब्जर्व करना है कि कौन सा हेयर किस डायरेक्शन में है, उसी तरह से हमें भी ड्रॉ करना है। ब्लेंड करने के लिए आप कोई भी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, हमें बस उसी डायरेक्शन में ब्रश को ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने से जो हेयर्स हैं वो भी एकदम स्मूथ दिखेंगे। फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद मैं अब 6B या 8B पेंसिल का यूज़ करके जो डार्क पोर्शन है उसे आउट करूँगा। हमें सिर्फ हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाना है, बस प्रेशर को कंट्रोल करके, क्योंकि बाद में इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट्स देंगे। बाद में ब्लेंड करने से हेयर्स में एक स्मूथ लुक आता है, हेयर्स रफ नहीं दिखते। अब हम इसमें हाइलाइट्स देंगे। हाइलाइट्स के लिए मैं पेंसिल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। हेयर्स में अलग अलग डायरेक्शन में हेयर्स होते हैं, तो हाइलाइट्स देना ज़रूरी होता है, जिससे कि हेयर्स में एक शाइन दिखती है। और अगर आपके पास पेंसिल इरेजर टूल नहीं है तो जल्दी से बाय कर लीजिए, ये हेयर ड्रॉइंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। अब डिटेल्स देने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, हम इसे ब्लेंड नहीं करेंगे। हेयर्स ड्राइंग करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, अगर आप में वो नहीं है तो आप रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं कर पाओगे। हमें हर एक हेयर को बहुत ही पेशेंस से और टाइम लगा के करना होगा, तभी जाके आपको आपका मनचाहा रिजल्ट मिल पाएगा। मुझे ये हेयर्स ड्रॉ करने में लगभग 3 आवर्स लगे, अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है।
अब जिस तरह से मैंने इस पार्ट को ड्रॉ किया है उसी तरह से हम पोनी टेल ड्रॉ करेंगे। इसमें भी हम उसी 5 स्टेप्स को यूज़ करेंगे। वैसे मैं एक फुल सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक आईज नोज लिप्स सिखाऊंगा, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये वीडियो और मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ट्यूटोरियल्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। आप लोग इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पार्ट को भी ड्रॉ कर पाएंगे। बस आप में पेशेंस होना चाहिए, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले लाइट लेयर करो फिर उस पर डार्क करो, हाइलाइट्स किस तरह से करना है, बस इसी टेक्निक को फॉलो करके बिल्कुल पेशेंस के साथ तभी आप अच्छा ड्रॉ कर पाओगे। और टूल्स भी यही बेसिक टूल्स होते हैं, और मेथड्स भी इसी तरह से आप लोग ईजिली ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, अगर ज़्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।